वायुसेना प्रमुख का चयन किए जाने से कुछ महीने पहले पूर्व वायुसेना प्रमुख पीवी नायक ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने नए सेवा प्रमुखों के नियुक्ति पैनल में एक पूर्व सेवा प्रमुख को शामिल करने का अनुरोध किया है। मंगलवार को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, सर सेना प्रमुखों के चयन को लेकर मेरा एक सुझाव है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि वरिष्ठता की जगह योग्यता आधारित चयन सबसे बेहतर तरीका है। उन्होंने कहा, सवाल ये है कि योग्यता का फैसला कौन करेगा, कौन, रक्षा सचिव, पीएमओ, इंटेल या नासा। उन्होंने कहा, इन सभी को संबंधित अधिकारी का केवल ऊपरी ज्ञान है। राजनीतिक झुकाव के अलावा हमें इनमें भी शामिल किया जाना चाहिए। तो सेना प्रमुख की चयन कमेटी इनमें से किसकी सलाह मानेगी? वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ के सेवानिवृत्त होने के बाद सितंबर के अंत में भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। कई अधिकारी इसकी रेस में हैं। सरकार को तीनों सेनाओं के प्रमुखों पर विश्वास करना चाहिए। नायक ने कहा कि सरकार को तीनों सेनाओं के प्रमुखों पर विश्वास करना चाहिए। ये अधिकारी चार दशक के अनुभव से गुजरकर उस पद पर पहुंचते हैं। इनके पास सैन्य सुरक्षा के संबंध में ज्ञान और अनुभव का खजाना है, जिसका फायदा उठाया जाना चाहिए। सीडीएस की नियुक्ति पर चर्चा का सही समय। एयर मार्शल बीएस सुरेश का भी स्वर्णिम करियर रहा है। पीवी नायक के समय सुरेश वायुसेना के सलाहकार भी रह चुके हैं। मंगलवार को लिखे खुले पत्र में उन्होंने सशस्त्र बलों के रक्षा मंत्रालय के साथ एकीकरण पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें फैसला लेने वाली प्रक्रिया का हिसाब बनाया जाना चाहिए। हमें छोटे स्तर से शुरुआत करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की नियुक्ति पर चर्चा शुरू करने का सही समय है।